हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, भाईजान ईद के लिए तैयार है, हम लोग भाईजान की फिल्म के लिए तैयार है, और सिकंदर दिन पर दिन एक बड़े से बड़ा ब्रांड बनती चली जा रही है। अभी तो देखो, फिल्म को रिलीज होने में कितना समय बाकी है। ईद 2025 रफली, अगर मैं डेट अगर भी नहीं बता सकती तो अप्रैल, तो सभी को पता है कि अप्रैल में ये फिल्म आएगी 2025 में। और बॉस, अभी से इस तरीके की अपडेट्स जो आ रही है ना, उसको देख करके लग रहा है कि मतलब इस बार ठान के रखी हुई है भाईजान ने कि बॉक्स ऑफिस को आग लगानी ही लगानी है। तो क्या न्यूज आई थी आज दिन में सिकंदर को लेकर? सिकंदर की एक अपडेट कल भी आई थी जिसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं कि बॉस, दिस इज अ ह्यूज डील। देखो, जब भी सलमान खान की फिल्म आती है तो जितने भी भाईजान के फैंस हैं वो सुपर सुपर एक्साइटेड रहते हैं, ये तो सीधी सी बात है। चाहे उनका एक कैमियो था पठान में, चाहे फुल फ्लेज्ड टाइगर 3 थी, या फिर मतलब एक एवरेज जैसी मूवी किसी का भाई किसी की जान थी, लेकिन उस फिल्म में भी उन्होंने बेंचमार्क्स क्रिएट किए थे। मतलब मास अपील जिसको बोलते हैं, वो भाईजान की ऐसी है कि अनशेकेबल, अनबिलीवेबल है। और ऊपर से ये जो 2024 का जो गैप आया है ना इस साल बिटवीन द फैंस एंड भाईजान मूवीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत जरूरी था। बिकॉज आफ्टर टाइगर 3 सलमान खान ने एक तरीके से एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में वो चले गए थे, और वो ये चीज़ को बड़े ही बारीकी से देख रहे थे, सुन रहे थे जो फैंस कह रहे थे, स्पेशली आफ्टर किसी का भाई किसी की जान, कि सर आप चाहे साल में एक फिल्म करो, 2 साल में एक फिल्म करो, लेकिन ऐसी फिल्म करो जिसको लोग याद रखें। बजरंगी भाईजान वाला समय, सुल्तान वाला समय, दबंग वाला समय, वो लोग, वो फैंस, वो जो मैजिक है वो देखना चाहते थे। एंड आई थिंक दिस टाइम ही सीरियस, सलमान खान इज प्रिटी सीरियस फॉर हिज फैंस। लोग पागलों की तरह दौड़ने वाले हैं इस बार बॉक्स ऑफिस पर मूवीज को देखने के लिए, स्पेशली सिकंदर का। जैसे ही हम लोग प्रमोशनल, जब कंटेंट, ऑफिशियल कंटेंट आना शुरू होगा, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल मैडनेस क्या होती है भाईजान के फैंस की, वो समझ में आएगी। लेकिन भाई देखो, अभी फिल्म रिलीज होने में इतना समय बाकी है, अभी से अपडेट्स आ जाना, अभी से इस तरीके की अपडेट्स आना इज अ ग्रेट साइन। दिस शोज की भाई फिल्म का ऑन ग्राउंड बज बहुत ज्यादा है। तो सिकंदर की अपडेट क्या आई थी? सिकंदर की कल एक अपडेट आई थी कि रश्मिका मंदाना और सलमान खान का एक डांस नंबर ह्यूज मैसिव स्केल पर शूट हुआ है। देखो यार, जब हम सलमान खान के मैसिव डांस नंबर्स की बात करते हैं, तो एक गाना था किसी का भाई किसी की जान में भी था, और हम सबको याद है कि वो सॉन्ग कितना कलरफुल था, कितना जबरदस्त था वो सॉन्ग। या फिर अगर हम सलमान खान के डांस स्टेप्स की, आइकॉनिक डांस स्टेप्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो दिमाग में निकल के आते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज दबंग का हुड़ हुड़ दबंग, मतलब वो जो मास एंट्री थी उस फिल्म में, या फिर सेल्फी ले ले रहे वो जो सॉन्ग था, वो मास एंट्री जो थी, वो ही रिक्रिएट करने की कोशिश अब की जा रही है सिकंदर में। जी हाँ, सिकंदर को लेकर हम सबको पता है 2 तरीके के रोल्स होने वाले हैं सलमान खान के, जिसमें एक बैड गाय एक गुड गाय है। ए आर मुर्गदौस, आप बैड गाय गुड गाय कह लीजिए, ये कह लीजिए, एक थोड़ा सा मैच्योर्ड है, एक थोड़ा सा यंग टाइप का कैरेक्टर है। वो एक ही इंसान का पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ ये तो पता ही है कि 2 अलग अलग तरीके के वर्जन होने वाले हैं सलमान खान के। नाउ मतलब जो जिस वर्जन की हम बात कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी ट्रेंडी, काफ़ी यंग वाला अवतार होने वाला है, क्योंकि रश्मिका उनके साथ पेयरिंग में है। तो सॉन्ग का शूट जो है ये चला, ये मैसिव स्केल पर चलता रहा, और इस वक्त पर अब ये बताया जा रहा है कि भाई साहब, इस सब के होते हुए भी सलमान खान अलग से स्टैंड आउट कर रहे हैं। उनकी एक इमेज वायरल हुई है, उनकी एक इमेज सोशल मीडिया पर आई थी जिसमें ही वॉज वेयरिंग डेनिम्स, उन्होंने डेनिम्स पहने हुए हैं। और भाई वो देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार तो क्या ही होगा। मतलब हमने सलमान खान को अतरंगी कपड़ों में जितना देखा है ना, उससे ज्यादा वो आइकॉनिक सिंपल कपड़ों में ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड शर्टलेस तो खैर बहुत सारे गाने हैं उनके, उन्हीं वही ट्रेंड सेटर हैं शर्टलेस ट्रेंड के। लेकिन आई जस्ट लव्ड हिज लुक इन भाईजान, बजरंगी भाईजान में जो उनका लुक था, सुल्तान में जो उनका लुक था, वो रोबस्ट लुक, वो बहुत अच्छा लगा था। या फिर अगर हम दबंग में वो अगर कॉप वाला यूनिफॉर्म वाला एक लुक ले लें, लेकिन अगर हम कोई टपोरी गाय वाले लुक की बात करनी है, तो वो फिल्म थी वांटेड, जिस फिल्म ने सलमान खान को 2.0 रिक्लेम कराया था बॉक्स ऑफिस पे। मतलब नॉट जस्ट ऑन बॉक्स ऑफिस, ऑडियंस के दिलो दिमाग पे वांटेड वाज समथिंग जिसने एक तरीके से लोगों को पागल कर दिया था उस टाइम पे। तो वैसा कुछ लुक अब सामने आ रहा है, वो लुक के ऊपर बहुत चर्चा गर्म है कि भाई दिस टाइम इट्स जस्ट गोइंग टू बी सलमान खान ऑन ईद, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ओके, सो एक वो चीज़ है। और दूसरा मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज दिन में शर्मन जोशी की भी न्यूज आई थी कि शर्मन जोशी हैज आल्सो जॉइंड द कास्ट ऑफ सिकंदर। नाउ ये अगर हम पूरा का पूरा कास्टिंग देखें, पूरा का पूरा प्लैटर देखें, तो हमने देखा है साउथ के कितने सारे एक्टर्स हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्पेशली कितने सारे एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स तमिल फिल्म इंडस्ट्री के भी हैं इस फिल्म में। ए आर मुर्गदौस जो कि तमिल फिल्म डायरेक्टर हैं, वो अपने आप में ही कम्स फ्रॉम देयर। बट ओवरऑल अगर हम देखें, इट इज अ प्लैटर ऑफ एक्टर्स। थोड़ा सा मुझे बस ये डर लगा
किसी का भाई किसी की जान में भी हमने ये चीज देखी थी कि साउथ एंड नॉर्थ मिक्स एक्टर्स थे, लेकिन ऑफ कोर्स इतना नहीं डरने की बात है क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल डिफरेंट है और इस फिल्म को लेकर भाईजान सीरियस हैं, इसके कंटेंट को लेकर सीरियस हैं। अगर उनको ये लग रहा होगा कि फिल्म के किसी सीन को रीशूट करने की जरूरत है वो भी करेंगे, मतलब ही इज रेडी टू टेक ऑल द पेन्स। कुछ दिन पहले उनके रिब सर्जरी को लेकर भी काफी न्यूज आई थी, रिब में इंजरी को लेकर भी काफी न्यूज आई थी। सो आई मीन ही इज डैम सीरियस अबाउट हिज वर्क दिस टाइम एंड वी आर सो हैप्पी टू सी दिस। हमको यही सलमान खान चाहिए थे। ऑडियंस को क्या चाहिए? अच्छी कहानी, दैट्स इट। अच्छी कहानी, अच्छा कॉन्टेंट, चाहे वो मासी हो, चाहे एक्शनर हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब सलमान खान एक अच्छी कहानी प्रेजेंट करते हैं तो भाई उनकी फिल्में सालों सालों तक याद रखी जाती हैं। आई एम श्योर सिकंदर उनमें से एक फिल्म होने वाली है, बुल भी अपने आप में एक फिल्म होने वाली है जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सिकंदर का बज इतना जबरदस्त है, अभी से इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि फिल्म भैया अगले हफ्ते या अगले महीने रिलीज होने जा रही है। इस लेवल का बज है सिकंदर का। सो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर ऑल द न्यूज एंड टू शेयर दैट सिकंदर इज ऑन ट्रैक एंड पीपल आर एक्साइटेड फॉर इट। बट मुझे खुशी ज्यादा इस बात की है कि सलमान खान इस बार पीछे नहीं हटने वाले हैं, इस बार घायल शेर जो है वो वापस आ रहा है और अब देखते हैं घायल शेर किस तरीके से हमला करता है और अपना शिकार जो है अपना शिकार करता है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट न्यूज क्या आती है, वो मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। बाकी आपको क्या कुछ कहना है इस अपडेट पर और इन सारी चीजों पर जो सिकंदर के बज को लेकर के, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।